पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब इसमें आपको क्या बताया जा रहा है, ये आपका एक पैराग्राफ दे रखा है, आप देख सकते हो उसमें। मैं इसको तोड़ के बता रही हूँ। देखो, सबसे पहले तो ये होलोजोइक होता है, ये ध्यान रखना। अमीबा के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यूनिसेलुलर है और होलोजोइक कर रहा है, इसलिए इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम बेसिकली इस क्लास में, जो क्लास 10th है, इसमें बेसिकली सिर्फ और सिर्फ होलोजोइक के बारे में बात करते हैं। सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक के बारे के न्यूट्रिशन के बारे में हम नहीं पढ़ते। हम अभी यूनिसेलुलर लेके चल रहे हैं, फिर हम मल्टीसेलुलर पे जाएंगे, जिसमें कि हम ह्यूमन के बारे में बेसिकली पढ़ने वाले हैं। तो अमीबा, अमीबा एक बहुत ही कॉमन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हमें पता है। ये होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है और ये यूनिसेलुलर है, ये हमें पता है। कुछ इस तरीके से अमीबा दिखता है, इरेगुलर शेप का होता है, हमें पता है। अब जो हमें नहीं पता है, उससे स्टार्ट करते हैं। इसमें चार स्टेप में चीज़ें होती हैं। वो चार स्टेप्स क्या हैं, मैं एक एक करके आपको समझाती हुई चलती हूँ। देखो होता क्या है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों के अंदर क्या होता है, हम खाना लेते हैं, खाना हमने लिया, हमारी बॉडी के अंदर गया, फिर वो क्या होता है, डाइजेस्ट होता है, फिर उसे जो है हमारे जो सारे के सारे टिश्यूज़ हैं, सब जगह पहुँच करके वो एब्जॉर्ब होता है, फिर उसे अलग अलग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ में लाया जाता है, और फिर जितना अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसे हम बाहर निकाल देते हैं। अब ये हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, जिसमें कि हम खाना इनटेक से लेकर के जो है इजेशन तक का। इसमें इनको चार स्टेप में, पांच स्टेप में बांटा हुआ है। सबसे पहले का नाम है इजेशन, इंजेशन सॉरी, दूसरा है आपका डाइजेशन, तीसरा है आपका एब्जॉर्प्शन, चौथा है आपका एसिमिलेशन, पांचवा है आपका इजेशन। अब देखो इंजेशन में क्या होता है, इसमें आपके चार डायग्राम दे रखे हैं, चार डायग्राम मतलब एक पूरा डायग्राम में चार स्टेप दे रखे हैं। पहले क्या होता है कि ऐसे अमीबा होता है, उसके बाद ये क्या कर लेता है, इस तरीके से फॉल्स फीट बना लेता है। जब इसके कांटेक्ट में फूड आता है तो ये कुछ इस तरीके से फॉल्स फीट बना लेता है, जिनको कि हम सीडो सूडियो फीडिया, सीडोफोडिया बोलते हैं। ये फॉल्स फीट इनका नाम है, ठीक है। सूडियो का मतलब होता है फॉल्स, जहाँ पे भी सूडियो दिख जाए वहाँ पे फॉल्स आप कर सकते हो उसको, फॉल्स फीट, ठीक है। फॉल्स फीट बना करके ये फूड को ग्रैब करता है। अब ये जब फूड अंदर जाता है तो इट विल मेक लाइक समथिंग लाइक दिस, ये आपका न्यूक्लियस है, ये यहाँ पे कहीं फूड आ जाता है, तो ये क्या है, ये टेम्पररी स्टमक या वैक्यूल कह सकते हैं, वैक्यूल या टेम्पररी स्टमक, ठीक है। देखो दोनों तरीके से बता दिया है ना, प्लांट के रिस्पेक्ट में भी और एनिमल के रिस्पेक्ट में भी। तो इस तरीके से वैक्यूल बना देता है। अब ये वैक्यूल यहीं पे डाइजेशन होगा, अलग अलग एंजाइम्स आकर के सब डाइजेस्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद ये एब्जॉर्ब होता है, फिर ये जाता है साइटोप्लाज्म में, और फिर उसके बाद ये इसके एक्टिविटीज़ के लिए एसिमिलेशन, एसिमिलेशन मतलब इसका यूटिलाइजेशन होता है, और फिर जितना अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो यहाँ से बाहर निकल जाता है, कहीं से भी बाहर निकल सकता है। तो ये कुछ प्रोसेस होता है, क्या हुआ, फॉल्स फीड बनाया, खाना लिया, खाना लेकर के टेम्पररी स्टमक बनाया, वैक्यूल बनाया, सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स उसने काम किए, एंजाइम काम करने के बाद वो साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो गया, फिर उसे वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए यूटिलाइज किया गया, जितना अनडाइजेस्टेड फूड था वो बाहर निकल गया। अब एक वो एक कन्फ्यूज़न आता है कि एक्सक्रीशन और इजेशन में, एक्सक्रीशन
और इजेशन में क्या अंतर है? देखो इनमें बहुत अंतर है। एक्सक्रीशन मतलब आपकी जितना भी सेल का वेस्ट होता है उसे हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। इजेशन होता है जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड होता है। तो ये जो इजेशन है दिस इज अनडाइजेस्टेड फूड जो बाहर निकल रहा है, एंड एक्सक्रीशन इज द वेस्ट ऑफ द सेल्स। ठीक है, इसमें सेल का वेस्ट बाहर निकलता है और इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर निकलता है। तो ये कुछ मैंने बता दिया एक्सक्रीशन और इजेशन के बीच में डिफरेंस। बाकी अमीबा का पूरा न्यूट्रिशन है। अब इसके बाद का जो एलिमेंट्री कैनाल है ये हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करें।